नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गौतम रमापति एंटरटेनमेंट चैनल। हाँ। और आज हम एक गांव में आए हैं और लोगों का वहां पे एक राय हमने जानने की कोशिश की, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ राजनीति के ऊपर उनकी क्या राय है, किसके ऊपर वो क्या बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। चलिए बाबा, चुनाव माहौल में मतलब का लगा तो के जीती कभी नगर से एक ही बताया जाए। अरे मतलब कुछ मतलब जमीनी के कर बाबा जी जी थी बताते ना आप कह रहे हैं कि आपका पहचान मुलायम सिंह यादव जी से है जी, तो बताइए कैसे हुई पहचान? पार्टी की वजह से। पार्टी की वजह से? हाँ पार्टी की वजह से। कैसे हुई मुलाकात आपकी? अरे हो गई, वहाँ आते जाते ऐसे सब लोगों के साथ। अभी ये पीछे से एक भाई साहब कह रहे हैं कि आप उनके साथ भैंस चरा रहे थे। हाँ भैंस चरा रहे थे, तभी जान पहचान हुई। नदी में जो है चड्डी पहन के कूदते थे नहाने के लिए। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है अभी, जैसे कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, जी जी, तो उनका काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बुरा कैसा है? अब यहाँ जो जो सांड भैंसा छोड़ दिए हैं, हाँ। हम लोग उनके सांड भैंसे से परेशान हैं। अच्छा। अगर सांड भैंसे न छोड़ते तो उनका चुनाव यहाँ से जीत जाते। अच्छा, उनका सांड भैंसा नुकसान कर रहा, सांड भैंसा उनको जीतने नहीं दे रहे हैं। कहाँ इंटरव्यू ये बताइए आप, योगी जी की सरकार कैसी है? फिर यह बताइए कहला कैसी है योगी जी की सरकार? वो हमारे चाचा बताते हैं। आपके चाचा जी? चलिए ठीक है। जय मोदी, जय कांग्रेस बाबा, जय मोदी। बताइए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कैसी? बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। योगी जी की सरकार कैसी है उत्तर प्रदेश में? योगी जी का सरकार नीक बलगन कहियो रोड पर चढ़िया गई सबके देख लिया। कैसे ठरिया दे निकाल के? कैसे हाथे गोड़े से जो कानून चलाई दी तो हटी नहीं। अच्छा, मतलब योगी जी बहुत बुरे आदमी है? बड़े बुरे आदमी, बहुत बुरे, बहुत बुरे। अच्छा, साड़ियों भैंसा खोल दिए हैं, सिवान के सिवान खाए गए। तो उत्तर प्रदेश में और कुछ नहीं कर रहे हैं साड़ भैंसा खोलने का लामा? वो कुछ नहीं, बस छुड़ा दिया था, चले सिवान चले, जनता मरे। मुख्यमंत्री बने हुए हैं तब से गांव में लाइट वाइट और मतलब कुछ सुविधा है कि नहीं? बहुत बढ़िया लाइट की, बहुत बढ़िया सुविधा है, 24 घंटे लगभग 22 घंटे लाइट आ रही है। के जीते वाला भाषण? मोदी। मतलब कुछ काम हम कर ले कि नहीं? मोदी काम बहुत कर ले हैं। कौन 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 काम? जैसे मतलब नोटबंदी करके उजाड़ रहने वालों, मतलब ये कह रहे हैं कि नोटबंदी करके उखाड़ दिए इनको। अच्छा, तो फिर भी मोदी जी जीतेंगे? जीतेगा वही। सबसे पहले हमें बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी है? उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा मैं कहाँ हुआ समय आचार संहिता लागू है। आचार संहिता का सरकार नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उनका काम कैसा रहा अभी तक? अब बावन से मुलाकात है नहीं काम कुछ तरक्की है? हाँ, थोड़ा गुंडागर्दी कम है पहले की अपेक्षा, मगर कोई विशेष तरक्की नहीं कर पाए जैसा लोगों ने सोचा था। अच्छा। हिसाब से खड़े नहीं पड़े तो गांव में पहले जैसे लाइटें कम आती थी, तो अभी भी वैसा है? नहीं नहीं, अब गांव में लाइटें करीब 18 घंटा आ रही है। 18 घंटा मतलब 5 साल के प्रधानमंत्री बने हुए थे, तो क्या आप संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है उनसे, इसलिए संतुष्ट है उन्होंने गरीबों के बारे में बहुत सोचा। उनको 2,000 रुपया प्रति 4 महीने पे वो हर किस्त दिया जाता है, 2,000 रुपया। बाथरूम बनवा दिए, इसलिए बनवा दिए हर बहन बेटी की इज्जत के लिए। उन्होंने आज तक कोई सोचा नहीं जो मोदी जी ने सोचा है, इसलिए उनको एक बार चांस लेना चाहिए। नहीं, एक बार तो दे दिया गया, अभी दूसरी बार देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कैसी है? काम वाम किया कुछ की नहीं किया? ठीक किया। क्या किया? बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? निकम्मी सरकार है और क्या कहेंगे। आप एक बात बताइए, आपसे एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कैसी है? अरे बिल्कुल खराब है आज, बहुत जुमला सरकार है।